हाँ गीता। हेलो राजा, उस दिन थिएटर में एसपी को मारने की जिसने कोशिश की थी ना, उसका पीछा कर रही हूँ मैं। जल्दी आ जा। तुम उसे फॉलो करो, मैं आ रहा हूँ। ऑटो। मैं एड्रेस बताती हूँ तुमको, जल्दी आ जाओ। तुम उसे फॉलो करती रहो, मैं तुम्हारे पीछे ही आ रहा हूँ। सर। मैं कॉल को कॉन्फ्रेंस में डालता हूँ। राजा यही है, यही है, बस मेरे पीछे आते रहो। ए तू जा। मैं इसके पीछे हूँ, मैं उसी के पीछे हूँ। वो आगे से लेफ्ट में मुड़ा है अभी। किसके लिए फॉलो कर रही है तू? कौन है रे तू? राजा यही है, यही है। अरे अरे जल्दी आ राजा। देख एसपी, तू बहुत गलती कर रहा है। पैसे के लिए मेरे पैर चाटने वाले तेरे डिपार्टमेंट में बहुत जन है। मेरे अरेस्ट होने से सब कुछ खत्म हो जाएगा क्या? भाई सूर्य अरेस्ट हो गया है। क्या वक्त रहा है? एसपी और राजा ने मिलके उसे अंदर कर दिया। वो दोनों एक साथ कैसे मिले? आपके धंधे के बारे में पता चल गया तो दोनों एक हो गए। तू कुछ भी बोलकर मेरा दिमाग मत खराब कर। हाँ पता है पता है, वो सूर्य अरेस्ट हो गया। अरे उसको छोड़, एसपी तुझे अरेस्ट करने के लिए वारंट रेडी कर रहा है। करने दो करने दो, मुझे उसमें से कैसे बाहर निकलना है मैं अच्छे से जानता हूँ। मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक एसपी ने तुम्हारा इनकाउंटर करने का प्लान बनाया है। आजा, आजा मेरे गले लग जा। ए करीमला, जाके भाई के लिए एक फल ले क्या। कौन सा फल? जाके ले ले। केले का फल। मैं लेकर आऊं? रहने दो, मैं ही लेकर आता हूँ। खुद कमीना बैठ के मुझे केला लाने के लिए बोल रहा है। रुक रे दिखाता हूँ। चिका ये ले। क्या ये? केला। छिलका कहाँ है? फेंक दिया। वो क्यों? तुमने क्या पूछा? केले का फल वही लेके आया। बिना छिलके का केला खाने के लिए लाया, मुझे बंदर समझाया क्या? कुछ भी बोलना है तो पहले ही बोलने का। फल खाने वाला है या छिलका खाने वाला है तू? अगर छिलका चाहिए था तो पहले बोलता, छिलका फेंक कर फल थोड़ी लेकर आता मैं फिर। तेरी माँ की तेरी इन बातों से सोया हुआ शेर जग गया है। तू कुछ भी लेकर आएगा और उसे मैं खाऊं? मुझे तो सिखा रहा है। अगर आज तुझे मैं छोड़ दूंगा तो तू हमेशा मेरा मजाक उड़ाएगा। तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे साथ मजाक करेगा? मजाक करेगा, मजाक करेगा। है? कोई था कहाँ क्या? पता नहीं। ए, उसको मार डालेगा क्या? ए, तुम लोग क्या रहे, दोनों आपस में लड़ते रहते हो? हाँ, आखिर में तुम लोगों का प्रॉब्लम क्या है? अरे फल लाने के लिए कहा था, बिना छिलके का फल लेके आई है। इतनी हिम्मत बढ़ गई इसकी, अभी बताओ इसे कैसे छोड़ूं? ए, तुमने क्या पूछा? केला लाने को दिया ना वो छिलके वाला। अरे बाप रे, अरे रे रे, इंसान फल को खाता है, बंदर छिलका खाता है। तू इंसान है कि बंदर? इंसान। इसके हाथ में अमृत नहीं जहर है। इसने हाथ कहाँ कहाँ डाला होगा, कहाँ कहाँ खुजाया होगा। इसके हाथ से खाऊंगा तो मैं जुलाब से ही मर जाऊंगा। हाँ। अरे गंदी नाली के कीड़े लोग, रोड के किनारे ठेले पे पानी पूरी खाते हो तो कुछ नहीं होता। कीड़े वाले नूडल्स खाने से तुम्हें कोई बीमारी नहीं होती, और ये केला खाने से तुम्हें जुलाब हो जाएगा क्या? एक कपड़ा दे रहे, कपड़ा दे। केला ला। केले को गंदे कपड़े से क्यों साफ कर रहे हो? ए, 50 लाख की गाड़ी को साफ करने वाले कपड़े से इस केले को साफ करके दे रहा हूँ तुझे, तो तुझे ये गंदा लग रहा है? ये ले खा, खा। ए, वो डब्बा लेकर आ, ला जल्दी जल्दी लेके आ। वो किस लिए? हाँ डाल डाल, केले के ऊपर डाल डाल। फिनाइल है क्या? फिनाइल से डिटॉल सोप।
डेटॉल से? ये हुई ना बात, क्या सफेद? अरे ये केला है, इसे कपड़े जैसा क्यों धो रहे हो? तू इस दरिंदगी को देखने के बाद मैं लाइफ में केला कभी नहीं खा पाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। अबे वो साफ सुथरा पानी है, शुद्ध गंगा का पानी है, समझा? अबे इस केले को तेरे लिए साफ किया गया है, तूने इस केले की वजह से हम सबका वक्त बर्बाद किया है, समझा? इसलिए तुझे ये केला खाना पड़ेगा। ए सब लोग इसके केले को उठाओ। अरे नहीं नहीं, सब लोग इसको केला खिलाओ। बोलिए सर। सूरी उनका नाम बताने के लिए बहुत ही घबरा रहा है। मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ा प्लान छुपा रहा है। कुछ भी हो, तुम्हारे फैमिली मेंबर्स को होशियार रहने के लिए कहो। ठीक है सर। सूरी उनका नाम बताने के लिए बहुत ही घबरा रहा है। मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ा प्लान छुपा रहा है। कुछ भी हो, तुम्हारे फैमिली मेंबर्स को होशियार रहने के लिए कहो। राजा, वो 5 मिनट में यहां आएगा। ठीक है चीका। चीका, ब्लू टी शर्ट में, देख वो आदमी कौन है। ठीक है। ए, छोड़ो, चल, छोड़ो, चल, 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 ले जा रहे मुझे, छोड़ो मुझे। ए, ये मुझे बहुत खतरनाक लग रहा है राजा, गन भी है इसके पास। कौन है रे तू? कौन है रे तू? मेरा नाम रतन है, मैं जोधपुर से आया हूँ। राज ठाकुर पूरे राजस्थान में अवैध सुपारी के धंधे का बेताज बादशाह है। जहाँ राज ठाकुर था, वहाँ के मेरे पिताजी जिला कलेक्टर थे। उन्होंने उसके ऊपर बहुत सारे केस लगाए। भैरव तब राज ठाकुर का राइट हैंड था। इन दोनों ने मिलकर मेरे पिताजी को मारने का प्लान बनाया। कुछ नहीं होगा, डरो मत, डरो मत, मेरी बात सुनिए, अब अंदर आ जाइए। कुछ नहीं होगा। मेरे पिताजी की जान लेकर भैरव ने ये साबित कर दिया कि वो दोनों पुलिस और कानून के ऊपर है। उसने मेरे पिता को मेरे आंखों के सामने मारा और मैं कुछ भी नहीं कर सका। पुलिस के रिकॉर्ड में भैरव अब मर चुका है। हम सब भी उसे मरा हुआ मानते थे, मगर आपके वीडियो से पता लगा कि वो कमीना अब भी जिंदा है। उसने मेरा ही घर नहीं, बहुत सारे घरों को बर्बाद किया है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा भाई, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे मार दूंगा। ए, सुन, तू अपनी माँ का ध्यान रख, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं उस भैरव को देख लूंगा। नहीं भैया। अब जा, करीम भाई इसे लेके जाओ। चलो ठीक है। राजा जल्दबाजी मत कर। तो क्या करूं मैं, और कितने दिन मैं इस तरह शांत बैठा रहूं? उसकी वजह से न जाने कितने घर बर्बाद हुए हैं, अब और नहीं होंगे। आज की रात पूजा के बाद उस भैरव का अंत होगा। मतलब? कोई भी कारण की वजह से ये स्केच मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, अपने पास यही लास्ट चांस है, मैं इधर से निकलता हूँ, समझे? ठीक है।